कामिकाजे जापानी इतिहास से निकला एक ऐसा शब्द जिसने युद्ध में एक नया अध्याय लिख दिया। कामिकाजे का मतलब होता है आत्मघाती। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जापान के कुछ एयरफोर्स के सैनिक अपने स्पेशल प्लेन के अंदर बैठते थे और अपने प्लेन को दुश्मन के टारगेट पर ले जाकर सीधा क्रैश कर देते थे, अपनी जान की आहुति देते हुए दुश्मन को नष्ट कर देते थे। ऐसे प्लेन को कामिकाजे प्लेन और ऐसे पायलट को कामिकाजे पायलट्स कहा जाता था। उसके बाद मॉडर्न वॉरफेयर में कामिकाजी ड्रोन ने दस्तक दी। ऐसे ड्रोन जो आत्मघाती रूप से खुद को नष्ट करके दुश्मन के टारगेट को नस्तनाबूद कर देते हैं। कुछ ऐसा ही बना दिया है अब भारत ने भी। भारत ने भी एक स्पेशल कामिकाजे टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जो दुश्मन के घर में घुसकर हमला करेगा। इस ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को भी सबक सिखाया जा सकता है। इनसे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार आतंकवादियों के अड्डों और लॉन्च पैड पर हमला करने में सेना की ताकत बढ़ेगी। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते हुए अचूक निशाना लगा सकते हैं और इनका इस्तेमाल करने वाले सैनिकों के दुश्मन की नज़र में आने के चांसेस बेहद कम हैं। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर अभी जिस ड्रोन को देख रहे हैं उसका नाम है नागा अस्त्र 1। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया आत्मघाती ड्रोन है। तो चलिए भला देर किस बात की, जानते हैं इस ड्रोन की खासियत के बारे में, जानते हैं कैसे इसके आने के नाम से ही थर्राने लगे हैं चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, अजरबैजान अर्मेनिया के बीच चल रहा वॉर हो या फिर यूक्रेन रूस के बीच चल रही जंग या फिर हमास इसराइल का युद्ध हो, यहाँ यह बात तो दुनिया को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आज की तारीख में अगर अपनी सेना की ताकत बढ़ानी है तो अपने सुरक्षा बेड़े में ड्रोन को शामिल करना ही होगा। अब ऐसे ही हवा में उड़ने वाले सुसाइड ड्रोन भारतीय सुरक्षा बेड़े की ताकत बनने वाले हैं और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी यानी कि मेड इन इंडिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आर्मी ने हाल ही में ऐसे 450 से ज़्यादा ड्रोन के लिए ऑर्डर दिए हैं। ये ड्रोन भारत में ही बनाए जाएंगे। माना जा रहा है कि इन ड्रोन के लिए ऑर्डर देने में आर्मी ने इमरजेंसी पावर का सहारा लिया है, मतलब इन स्वदेशी ड्रोन की खरीदारी ज़्यादा समय नहीं लगेगी और इनकी सप्लाई भी जल्द हो जाएगी। बता दें कि इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने डेवलप किया है। पिछले साल इस हथियार का चीन सीमा के पास लद्दाख की मुंब्रा घाटी में सफल परीक्षण भी किया गया था। आम भाषा में आप इन्हें सुसाइड ड्रोन कह सकते हैं। नागा अस्त्र 1 को सेना की भाषा में इसे लाइटनिंग म्यूजिशंस कहते हैं। दुश्मन के टैंकों या बंकर, रात के घने अंधेरे में घात लगाए दुश्मन बैठे हों या फिर सीमा पर रच रहे हों गहरी साजिश, अब इनकी हर नाकाम साजिश का होगा एक ही अंजाम। जी हाँ, इनका खात्मा, क्योंकि अब इसे बखूबी अंजाम दे सकता है भारत की सेना को बूस्टर डोज देने वाला यह स्विस हाइड्रो कामाकाजी नागा अस्त्र 1। इसकी खासियत के बारे में जाने तो यह 15 से 30 किलोमीटर के दायरे में टारगेट पर वार कर सकता है। जीपीएस लैस नागा अस्त्र अचूक निशाना लगाता है। नागा अस्त्र 1 को इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन के इलाके में एक से दूसरी जगह जा रहे सैनिक और मिलिट्री की गाड़ियों को तलाश कर सकता है। दुश्मन की पोजीशन को पता लगाने के बाद यह कामाकाजी मोड में उस पर हमला करता है। कामाकाजी का मतलब क्या है हमने आपको पहले ही बता दिया है। इनकी खासियत यह है कि टारगेट को ढूंढ कर यह निशाना साधते हैं। ये टारगेट एरिया के आसपास कुछ देर तक मंडराते हैं और जब टारगेट को लोकेट कर लेते हैं उसके बाद उससे जाकर टकरा जाते हैं। क्रूज मिसाइलों का सिस्टम भी कुछ इसी तरीके का होता है। हालांकि कामाकाजी ड्रोन क्रूज मिसाइलों जितने फास्ट नहीं होते, लेकिन इनमें बहुत पावरफुल चार्ज होता है, लिहाजा इनकी मार किसी मिसाइल की तरह ही होती है। ये नागा 1 अपने साथ 1.5 किलो के विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये 15 किलोमीटर दूर तक जाकर अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ड्रोन अपने साथ 2 ग्रेनेड को लेकर उड़ सकता है। आपको बता दें कि इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो इजरायली ड्रोन में भी नहीं, वो ये है कि जब इसे टारगेट नहीं मिलता तो ये अपने मिशन को अबोर्ट भी कर सकता है। सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल फिर से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर इसको एक बार हमले के लिए छोड़ दिया गया तो टारगेट ना मिलने पर भी हमला करके ही रहेगा। बता दें कि नागा अस्त्र के 2 अलग-अलग वेरियंट तैयार किए जा रहे हैं। पहला हाथ से या फिर ट्राइपोड से उड़ाया जा सकता है। इसका वजन 6 किलोग्राम का है। यह एक बार में 60 मिनट तक उड़ सकता है। इसका 15 किलोमीटर वीडियो लिंक रेंज है। 45 किलोमीटर जीपीएस टारगेट ट्रेन है। इसमें 1 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लोड किया जा सकता है। इसके विस्फोटक से 20 मीटर तक का इलाका ख़त्म हो सकता है। इसमें रियल टाइम वीडियो बनता है। ये सर्विलेंस और हमला करने दोनों में कैपेबल होता है। दूसरे वेरिएंट की बात करें तो नागा अस्त्र 1 की जो दूसरा वेरिएंट है वो मैन पोर्टेबल है। इसे 2 सैनिक मिलकर उड़ा सकते हैं।
इसमें 4 किलोग्राम का विस्फोटक लगाया जा सकता है। यह टैंकों और बख्तरबंद किस्म की चीज़ों को उड़ाने में काम आ सकता है। यह पोर्टेबल न्यूमेटिक लॉन्चर्स के जरिए उड़ता है। इसकी लैंडिंग पैराशूट के जरिए होती है। इसमें डुअल सेंसर लगे हैं जो दिन में भी और रात में भी काम करते हैं। इसका वजन 11 किलोग्राम का है। यह 90 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी वीडियो लिंक रेंज 25 किलोमीटर की लाइव टेलीकास्ट कर सकता है। वहीं इसकी रेंज है 60 किलोमीटर, यानी यह 60 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। यह भी बता दें कि हथियार इसराइल और पोलैंड से इम्पोर्ट किए जाने वाले हवाई हथियारों से करीब 40% सस्ता पड़ेगा। दोस्तों, इस ड्रोन को लेकर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की प्लानिंग के बारे में बात करें तो जब उरी हमला हुआ था भारत पर, तब भारत के पास इस तरह की स्टैंड ऑफ वेपन कैपेबिलिटी नहीं थी। सितंबर 2016 में हुए उरी हमले में 19 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त LOC के पार आतंकवादियों के लॉन्च पैड ध्वस्त करने के लिए भारतीय सैनिकों को LOC पार करनी पड़ी थी। सर्जिकल स्ट्राइक को इसी तरह अंजाम दिया गया। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय सशस्त्र बलों को आने वाले दिनों में इस तरह के और स्टैंड ऑफ वेपन मिलेंगे। इनसे कुछ का इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों के अंदर तक किया जा सकेगा। अगर ये ड्रोन भारतीय सुरक्षा के बेड़े में शामिल हो जाते हैं तो पुंछ आतंकी हमले का बदला भी आसानी से लिया जा सकता है। बता दें कि नागास्त्र वन में जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं वो 75% तक मेड इन इंडिया है। अब इससे विदेशी सोर्सेस पर निर्भरता घटी है। नागा ड्रोन को पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसके चलते कम वैल्यू वाले टारगेट को निशाने पर लेने में यह किफायती हथियार बन गया है और इसके एक्सपोर्ट की भी अच्छी संभावना बन सकती है। दोस्तों, ये तो साफ हो गया है कि ड्रोन आ जाने से पाकिस्तान और चीन की भारत के खिलाफ की जाने वाली नापाक साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। इससे बॉर्डर पर छिपे बैठे आतंकियों के लिए भारत में अपनी हरकतों को अंजाम देना और मुश्किल हो जाएगा। आशा करते हैं इस कामिकाजे भारतीय ड्रोन के बारे में जानकर आपको गर्व महसूस हुआ होगा। तो दोस्तों, इस फीलिंग को आप अपने तक सीमित ना रखें, इसे बाकी देशवासियों तक भी शेयर करें। इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर जरूर शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक खबर के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।